मौजू जो है वो आप लोगों के सामने रखा जाए, क्योंकि मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि हमारा यहां पे चर्च के अंदर आना महज ये नहीं है कि हम गीत सुने गाएं और फिर खुदा का कलाम सुने, हमें अच्छा लगता है, हम थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं और फिर अपने अपने घरों को जो है वो वापस लौट जाएं। नहीं, बल्कि जब हम यहां पे आते हैं तो ये हमारे लिए नहायत कीमती वक्त है जब हम खुदावंद के घर में आते हैं, और एक मसीह के लिए ये नहायत इंपॉर्टेंट बात है कि वो खुदा के कलाम को सीख कर उसको अपनी जिंदगी में जो है वो लगाए और उस कलाम को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना ले, और जब वो कलाम उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है तो फिर उसकी जिंदगी में जो है वो बरकत आती है। तो आज बहुत देर से ये हमारे प्लानिंग में था कि हम इस प्रोग्राम को जो है हम इस मैसेज को शुरू करेंगे, और आज खुदावंद ने मुमकिन किया, खुदावंद ने मेरे दिल में यह बात डाली कि आज इस मैसेज को मैं शुरू करना चाहिए। मुझे मालूम नहीं कि यह कितना वक्त ले सकता है, शायद एक महीना ले सकता है, शायद डेढ़ महीना ले सकता है, लेकिन जब भी ये मैसेजेस खत्म होंगे उसके बाद आप अपनी जिंदगी में एक नई तब्दीली जो है वो महसूस करेंगे। प्रेज गॉड। मसीह आम तौर पर जो है वो जब चर्च में आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, इबादत में आते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो खुदा से बहुत सारी बरकत जो है वो पालें, खुदा से बहुत कुछ जो है वो हासिल कर लें। और बाज़ुकात मसीहों के लिए खास तौर पर ये बड़े ये अजीब बात उनके लिए होती है, बड़ी परेशानी का बायस होती है, और बाज़ुकात हम इस बात को कबूल नहीं कर सकते, हम इस बात को हजम नहीं कर सकते कि ये हमारी जिंदगी में क्यों है। हम हर तरह से खुदावंद के घर में भी आते हैं, बड़ी बाकायदगी के साथ खुदावंद के साथ चलते हैं, दुआ भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, और हर तरह से हम खुदा के साथ चलने की कोशिश करते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, खुदा के लोगों के साथ भी बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, और हमेशा यही हम बात सुनते हैं कि खुदा के साथ चलने से हमारी जिंदगी में हमेशा बरकत आती है। लेकिन बाज़ुकात ये बात बिल्कुल उल्ट हो जाती है, और बावजूद हमारी दुआओं के, बावजूद हमारे रोजे रखने से, सब कुछ करने से, हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किलात जो है वो दूर नहीं होती है। लगातार हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किलात, बीमारी, बच्चों की मुश्किल, रुपए पैसे की कमी, जॉब बार बार जो है वो चले जाना, नए जॉब ढूंढने के लिए कई कई महीने, कई कई साल लग सकते हैं, हर तरफ से प्रेशर, हर तरफ से दबाव, और जिंदगी जो है वो अजीब किस्म के एक शिकंजे में जो है वो हर वक्त रहती है। ज़हनी तौर पर फिक्रें, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, और हम नहीं जानते हैं कि इसका सबब क्या है, बावजूद कि हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के घर में आते हैं, दुआएं करते हैं, खुदा के खादिम आपके लिए दुआ करते हैं, और जब हमारी जिंदगी में वो बातें इसके बावजूद भी कायम रहती हैं तो फिर हमारे ज़हन जो है वो डगमगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं, खुदा कोई चीज नहीं है, खुदा भी मेरी मदद नहीं कर सकता है, मैं खुदा के साथ इतना चलता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जिंदगी के अंदर कोई बेहतरी पैदा नहीं हो रही है, मेरी जिंदगी के अंदर कोई अच्छी चीजें नहीं आ रही हैं। बाज़ुकात हम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ पा लेते हैं, रुपया, पैसा, ये वो, नौकरी, हर चीज होती है, हम टॉप पे चले जाते हैं, लेकिन एक सेकंड के अंदर झटका लगता है और हम वापस फिर जीरो पे आ जाते हैं, और हम आराम होते हैं कि ये क्या क्या मुश्किल है, ऐसी कौन सी ऐसी वजह है कि हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं। हम जिस तरह से खुदावंद के कलाम को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें आज इस प्रॉब्लम को ढूंढने की जरूरत है, क्यों ये ऐसा होता है ईमानदारों की जिंदगी में, खासतौर पर बाज़ुकात खुदा के बड़े बड़े खादम, बहुत ईमानदार लोग जो हर रोज अपनी जिंदगी खुदावंद के साथ गुजारते हैं, उनकी जिंदगी में भी ये बात होती है, उनकी जिंदगी में भी ये प्रॉब्लम होती है, और बाज़ुकात दूसरे लोग जो है वो ऐसे खुदा के खादमों को, ऐसे लोगों को जो है वो बाज़ुकात तंज का निशाना भी बनाते हैं कि पता नहीं तुम किस खुदा के साथ चल रहे हो,
पता नहीं कौन सा तुम्हारा खुदा जो तुम्हारी तो जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, मुश्किल रहती है, और तुम कहते हो तुम खुदा के साथ चलते हो। और लोग जो है उमूमन अयूब का हवाला दे देते हैं, अयूब को भी तो मुश्किल आ गई थी ना, अयूब भी तो मुश्किल में रहता था ना। और हम कोशिश करते हैं कि हम उस बात को खुदा के सर के ऊपर थोप दें कि ये खुदा ही है जो कि मेरे मेरी अच्छाई नहीं चाहता है। याद रखें कि खुदा जो है वो हमारी भलाई चाहता है, हमारी अच्छाई चाहता है। खुदा के पास आने वाले जो है वो उससे बरकत जो है वो पाते हैं हमेशा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम मुश्किलात जो है ये क्यों है और कहां से इनका मुंबा कहां पे है। और ये मुश्किल है हमारी जिंदगी के अंदर लानत। बहुत सारे लोगों के लिए लानत का लफ्ज जो है ये एक बड़ा शॉकिंग वर्ड है, धचका दे देने वाला है। लानत, मैं कैसे लानती हो सकता हूं, मेरी जिंदगी में कैसे लानत आ सकती है। लेकिन याद रखें कि बाइबल एक हकीकत है, एक सच है, आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो लफ्ज लानत को कबूल नहीं करते। आप उनको बरकत का, बरकत के बारे में बताएं, एक्सेप्ट करते हैं, खुदावंद बरकत देने वाला है, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत देगा, आप बरकत में बरकत पाते जाओगे, ये सब कुछ ठीक है, हम एक्सेप्ट करते रहते हैं। लेकिन जब लानत की बात आते हैं हम कहते हैं बाइबल में ऐसा कोई लफ्ज ही नहीं है। लेकिन याद रखें कि बरकत और लानत का लफ्ज जो है बाइबल के अंदर 640 मरतबा आया है, 640 टाइम। इसका मतलब है कि अगर 640 मरतबा बाइबल के अंदर लानत और बरकत का जिक्र है तो इसके पीछे कोई ना कोई पैगाम तो है। अब बरकत और लानत जो है इन दोनों का मंबा जो है वो खुदा है। आप हैरान होंगे कि कैसे खुदा कैसे किसी को लानत दे सकता है। पदायशी किताब उसके तीसरे बाब में हम सबसे पहले देखते हैं कि खुदा जो है वो लानत देने वाला है। और सबसे पहले उसने शैतान को जो है वो उसने लानत दी। पढ़े जी पदायशी किताब उसका तीसरा बाब उसकी गालबन 15 बाब आयत है। और खुदावन खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तू सब चौपायों और दस्ती जानवरों में मलाउन ठहरा। हाँ, तू तमाम दस्ती जानवरों में लानती ठहरा। सबसे पहले उसने शैतान को लानत किया। किसने किया ये? खुदा ने। ये खुदा के मुंह से ये अल्फाज निकले हैं, उसने लानत दिया उसको। और उसके आगे जी, तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाब मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सर से लानती हुई मशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा, तू अपने मुंह के पसीना की रोटी खाएगा जब तक के जमीन में तू फिर लौट ना जाए, बस इसलिए कि तुझसे निकाला गया है। अब देखें यहाँ पे खुदा ने शैतान